Hello students, today topic is Niels Bohr atomic model. ठीक है, Niels Bohr atomic model. तो Niels Bohr जो कि इंग्लिश बहुत ही वैज्ञानिक Niels Bohr 1913 ईस्वी में उन्होंने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने प्लांक सिद्धांत प्लांक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और परमाणु की संरचना संबंध में अपनी बातें बताया है कि परमाणु इस प्रकार से अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उनका जो पहला मॉडल था उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं या घूमते रहते हैं। ठीक है, कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। उन्होंने पहला क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में घूमते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा उनका ये था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं के बिना उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, जो परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है लेकिन केवल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित केवल कक्षाओं में ही घूमता है, निश्चित ऑर्बिट में ही केवल घूमता है। ठीक है, अब तीसरा जो उनका था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग यच अपान 2π होता है। ठीक है, जिसमें कोणीय संवेग अपान 2π होता है उन्हीं कक्षाओं में केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। और ये जो यज अपान 2π होता है ये पूर्ण गणित होता है, पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं। ठीक है, ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं और ये जो कक्षाएं हैं ये निश्चित होती हैं और इन कक्षाओं को अस्थाई कक्षाएं भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल, स्टेबल बोलते हैं निश्चित कक्षाएं, यानी कक्षाएं जो होती हैं वो निश्चित होती हैं। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं। और अस्थाई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा स्तर है संचित यम का इलेक्ट्रॉन, यदि संचित यम का इलेक्ट्रॉन जो है यम का इलेक्ट्रॉन त्रिज्या के भी वेग से घूम रहा है, त्रिज्या के भी वेग से यदि यम का इलेक्ट्रॉन त्रिज्या के भी वेग से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग हो जाएगा, कोणीय एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जो ठीक है वो हो जाएगा यम भैया कोणीय कोणीय संवेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा यम भी आर। ठीक है, यहां यम क्या है, यहां यम क्या है, संहित इलेक्ट्रॉन और आर जो है ये त्रिज्या है। ठीक है, और ये जो भी है ये वेग है, वेलोसिटी। ठीक है, तो सूत्र हमको तथा बोर के अग्रहिता अनुसार जो हमको सूत्र प्राप्त होगा यम भी आर इज इक्वल प्राप्त होगा यन यच अपान 2π। ठीक है, जहां यन जहां जहां
यन एक पूर्ण संख्या है, जहां यन एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, जहां यन एक पूर्ण संख्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और यज जो है ये प्लांक नियतांक है, ठीक है, जो हमको सूत्र प्राप्त हुआ यम भी आर इज इक्वल टू यंग इनटू यज अपॉन 2 पाई, जो हमको सूत्र प्राप्त हुआ जहां वेयर यन इज पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और यज जो है ये प्लांक नियतांक, प्लांक का कांस्टेंट है जिसका मान होता है यज बराबर होता है 6.62 गुणिते 10 के घाते -27, ठीक है, यही होता है यज। और 2 पाई आप जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये सब जो हमको निकल के आया MVR जो होता है, MVR इज इक्वल होता है यन यच अपॉन 2 पाई, ठीक है, यन यच अपॉन 2 पाई। अब जहां वेयर यन इज होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, और यच जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, ठीक है, नियतांक जिसका मान होता है 6.6260 इंटू 10 to the power -27, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है, अर्ग प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक होता है अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ये जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ, इक्वेशन प्राप्त हुआ निल्स बोर द्वारा, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। और जहां यन एक होल नंबर है, तो ये n1 2 3 n हो सकता है, ठीक है। अब प्रत्येक कक्षा जो निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। अब आपकी अगली वीडियो होने वाली है इसके मुख्य संख्या के बारे में, जो क्वांटम संख्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्वांटम संख्या क्या है उसके बारे में इसके बाद वाली वीडियो होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और शेयर कीजिए, जैसे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तब आपकी क्लास रेगुलरली हो पाएगी, ठीक है, रेगुलर हो पाएगी। आपकी यदि क्लास रेगुलर हो रही है तो आप बेस्ट क्लास होगी, जिससे आप अच्छी बातें और काफी कुछ सीख सकते हैं काफी हद तक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे क्वांटम सिद्धांत क्वांटम नंबर के बारे में आगे बात होगी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।